इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में खुलासा किया कि वो 2018 में संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे। वो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और उस समय कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। अश्विन उस दौर में सिर्फ 6 गेंद करने के बाद ही खुद को थका हुआ महसूस करते थे और उन्हें लगता था कि अब ब्रेक की जरूरत है। हालांकि इसके बाद अश्विन ने शानदार वापसी की और T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में जगह बनाई। अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। टेस्ट में अश्विन टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है। भारत के मुख्य स्पिनर होने के साथ ही अश्विन ने कई बार बल्ले के साथ भी कमाल किया है और भारत को मैच जिताए। वहीं एक इंटरव्यू में अश्विन ने बताया कि 2018 से 2020 के दौरान कई बार उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोचा। इस समय वो लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चीजें मुश्किल होती जा रही थी। 6 गेंद करने के बाद ही उनकी सांस फूलने लगी, पूरा शरीर थक जाता था, घुटने का दर्द बढ़ने और वो छोटी जंप लेकर गेंदबाजी करने की कोशिश करते थे और जल्द थक जाते थे। अश्विन ने यह भी बताया कि उनकी चोट को लेकर खिलाड़ी संवेदनशील नहीं थे और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आए। भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया, लेकिन अश्विन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कई खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया तो मुझ पर क्यों नहीं, मैंने कुछ कम नहीं किया, मैंने टीम को कई मैच जिताए लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं जताया गया। अश्विन ने बताया कि 2018 में जब वो फिर से चोटिल हुए तो उन्होंने कई बार सांस लेने के बारे में सोचा। इस बार वो सिर्फ अपनी पत्नी से ही बात करते, लेकिन उनके पिता को पूरा भरोसा था कि एक दिन उनका बेटा वनडे और T20 टीम में भी वापसी करेगा और वो मरने से पहले इसे देखेंगे। उनके लिए काफी व्यक्तिगत चीज थी। बाद में अश्विन को 2021 T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया और यहां शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने T20 टीम में वापसी। अब अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें भारतीय टीम में मौका दिया जा सकता है। AFP टाइम्स के लिए।